प्यारे बच्चों, अब देखिए देववाणी भाग 8 का मैं तीसरा अध्याय अभी आपको बता रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए। देखिए तीसरा पार्ट है कि छात्र जीवनम मानव जीवनस्य स्वर्ण काला अस्ति। छात्र जीवन मानव जीवन का स्वर्ग काल है। अस्मिन् काले एव मानव जीवनस्य निर्माणं भवति। यतः अस्मिन् काले छात्रः यादृशं वृत्तः समुपचिनोति तनैव सः स्वजीवन यात्रा या निर्वाहम करोति। अब देखिए इस काल में ही मानव जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि इस काल में छात्र जैसा आचरण चुनता है उसी से वह जीवन यात्रा का निर्वाह करता है। अब देखिए विद्या अध्ययनम छात्र जीवनस्य प्रथम कर्तव्यम। अब देखिए इसका अर्थ क्या है कि विद्या अध्ययन छात्र जीवन का प्रथम कर्तव्य है। आगे देखिए विद्या अध्ययन काल तपस्या काल एव वर्तते। अर्थात विद्या अध्ययन का काल तपस्या का ही काल है, ठीक है। अतः अस्मिन् काले सर्वाणि सुखानि विहाय विद्याया अध्ययनमेव छात्रस्य कर्तव्य भवेत। अर्थात विद्याध्ययन का, इसलिए इस काल में सभी सुख छोड़कर विद्या का अध्ययन ही छात्र का कर्तव्य होना चाहिए। आगे देखिए इसके बाद है आपको छात्राणाम कृते इदम् आवश्यकमस्ति यत् ते सर्वदा गुरु अनुशासने तिष्ठेयु। विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे हमेशा गुरु के अनुशासन में रहे। गुरु नाम सेवा सम्मानाम आज्ञा पालनम च तेषां परम कर्तव्यम अस्ति। अर्थात गुरुओं की सेवा सम्मान और आज्ञा पालन उनका प्रथम कर्तव्य है। गुरु अनुशासने स्थित्वा तस्याज्ञा सर्वाणि कार्याणि नियमेन कर्तव्यानि। अर्थात गुरु के अनुशासन में रहकर उनकी आज्ञा से सभी कार्य नियम से करने चाहिए, ठीक है। समयस्य दुरुपयोग कदापि न कर्तव्य। अर्थात समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आत्मविकास छात्र जीवनस्य मुख्यम उद्देश्यम अस्ति। अर्थात स्वयं के विकास छात्र जीवन का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अतः ते सदैव आत्मविकासाय प्रयत्नरता भवेतु। इसीलिए वे सदैव स्वयं के विकास के लिए प्रयासरत हों। आगे देखिए छात्राणाम कर्तव्य विषय केनापि कवना इत्युक्तम। अर्थात विद्यार्थियों के कर्तव्य के विषय में किसी कवि ने कहा है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनी पंच लक्षणम। अर्थात यहाँ बताया गया है कि
कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम खाना और घर का त्याग करना, किसी भी विद्यार्थी के ये 5 लक्षण हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, श्वान स्वल्पम एवं शयन करोति तथैव छात्रोपि स्वल्प शयनम कुर्यात्। नहीं, यह छूट गया। छात्र सदैव काकवत चेष्टा कुर्यात्, अर्थात छात्र को हमेशा कौवे जैसी चेष्टा करना चाहिए, यथा बकह ध्यान विष्टो तिष्ठति, और बगुला जैसा ध्यान में स्थिर रहना चाहिए। छात्रोपि विद्या अध्ययने ध्यानम स्थितो भवेत्। विद्यार्थी को विद्या अध्ययन में ध्यान स्थिर होना चाहिए। स्वल्प आहार एवं कर्तव्य, और इसका आहार कैसा होना चाहिए? बिल्कुल हल्का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है आगे देखिए, तथैव छात्र स्वल्पम कुर्यात्, हल्का नाश्ता भोजन करना चाहिए। अधिकारेण आलस्यम भवति, यदि विद्यार्थियों को आलस्य होता है, छात्र स्वल्प आहार एव कर्तव्य है, जब आलस हो तो हमेशा हल्का भोजन ही करना चाहिए। अधिकारेण आलस्यम भवति, अतः छात्रेण विद्यार्थी के छात्रेण स्वल्प आहार एवं कर्तव्य, ब्रह्मचर्य पालनम तु कृतेषां कृते सर्वश्रेष्ठ कर्म विद्यते। अर्थात जब आलस होता है इसलिए विद्यार्थी को कम ही नाश्ता करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन तो उनके लिए सबसे बढ़कर है। एव कर्तव्यम पालनम छात्र परमोन्नति प्राप्नोति। इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विद्यार्थी परम उन्नति को प्राप्त कर लेता है। आगे देखिए, फिर इसका आप यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ आपको क्या है, ये शब्दार्थ है, इस सब को आप याद करेंगे, उसके आधार पर फिर कुछ आगे बता देता हूँ। इसको देखिए, ये है निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। कतम कालम मानव जीवनस्य स्वर्ण कालम इति, छात्र जीवनम मानव जीवनस्य स्वर्ण कालम अस्ति। दूसरा है, छात्राणाम जीवनस्य प्रथम कर्तव्यम किम, तो विद्या अध्ययनम छात्राणाम जीवनस्य प्रथम कर्तव्यम अस्ति। इसके बाद आगे है, छात्रा कथम तिष्ठेयु, यहाँ देखिए छात्रा गुरु अनुशासने तिष्ठेयु। फिर इसके बाद, छात्र जीवनस्य मुखम उद्देश्यम किम अस्ति, तो आत्म विकास छात्र मुखम उद्देश्य अस्ति। इसके बाद फिर आगे देखिए, ये दोनों आप करेंगे, अरों छात्र से पंच लक्षाणी कानी, ये हल्का है, और आलस्यम कथम जायते, इस दोनों को मैं आपके होमवर्क में छोड़ दिया हूँ। अब प्रश्न 2, रिक्त स्थानी पुर्यत, पहला है छात्र जीवनम होगा, दूसरे में है तपस्या काल होगा, तीसरे में विद्या अध्ययनम होगा, चौथा में आत्म विकास है, और पांचवा में छात्र सदैव काकवत। इस तरह से इस रिक्त स्थान की हम पूर्ति करेंगे। अब देखिए, सम्यक विकल्प चुनत, इसको कैसे चुनेंगे, तक काले इत्यस्मिन पदे विभक्ति अस्ति, कौन सी विभक्ति है ये, तो ये विभक्ति है सप्तमी। आगे देखिए, फिर उपचिनोति इत्यासीन क्रियापदे उपसर्ग अस्ति, उप
तीसरा है इत्युत्तम इत्यस्य छंदि संधि विच्छेद अस्ति, क्या है इसका, तो इसका है इत जोर उक्तम इत्युक्तम। उसके आगे फिर देखिए विपरार्थक शब्द लिखना है। यह इति जोर उक्तम, यहाँ है इत्युक्तम का इति जोर उक्तम, ठीक है, इति जोर उक्तम। आगे देखिए फिर विपरार्थक कान शब्दान लिखत, प्रथम का अंतिम, छात्र का छात्रा, मुख्यम का ऐच्छिव और अल्पम का अति, सुखानी का दुखानी, सदुपयोग का दुरुपयोग। फिर आगे बहुवचन में बदलिए, प्रश्न नंबर 5, सुखम सुखानी, विद्यार्थी विद्यार्थिना, जीवनस्य जीवनः और काला काले, गुरुणा गुरु, विकासाय विकासः। फिर आइए वाक्यानि रचयत, स्वर्ण कालम, तो छात्र, इसको वाक्य में प्रयोग करना है, तो छात्र जीवनम स्वर्ण काला अस्ति, नहीं स्वर्ण काला भवति कर दीजिए, या चलिए जी दे भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। आगे चलिए फिर छात्र दूसरा है आपको निर्माणम, तो छात्र जीवनम मानव जीवनस्य निर्माणम भवति। इसके बाद फिर है सदैव, तो छात्र सदैव आत्मविकासाय प्रयत्नम करोति। फिर देखिए निर्वाहन निर्वाहनम, तो सब मजदूरी कृत्वा निर्वाहनम करोति। आगे देखिए सदुपयोग, सदा समयम सदुपयोग कुरु। और लास्ट में आलस्यम, तो आलस्यम मनुष्य महान रिपु अस्ति। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन आंसर ये सब समाप्त हो गया। इसको घर पर अध्ययन कीजिए, पढ़िए, और ये दो क्वेश्चन जो आपका छोड़ दिया हूँ, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कि छात्र से पंच लक्षणानि कानि सन्ति और आलस्यम कथम जायते, इस दोनों का आप किताब से खोज के आंसर लिखिएगा, नहीं होने पर फिर मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।